गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया ढाणी टीवर। सबको राम राम। तो आज मैं आपके लिए एक सुंदर सा टेस्टी रेसिपी लेके आया हूँ, जो हम आज करने वाले हैं मटर मशरूम। तो जो लोग वेजिटेरियन है वो जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मटर मशरूम बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए और कैसे बनाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे किचन में मटर मशरूम। तो गाइज, मशरूम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है, ये है मशरूम पहला चीज जो चाहिए। उसके बाद ये मटर है। तो मसाला के लिए मैं यहाँ पे लिया है प्याज, अदरक और ये थोड़ा सा लहसुन मैंने लिया है, और उसमें दो इलायची लिया है। और उसके बाद ये सूखा मसाला लिया है, इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और ये है कश्मीरी लाल मिर्च, कलर के लिए मैंने लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है टमाटर और ये सूखा मसाला, इसमें जीरा, लौंग, काली मिर्ची, आपके पास जो दालचीनी है, बड़ी इलायची जो भी है आप उसको लीजिए, बहुत टेस्ट लगेगी। तो उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने लिया ये सरसों का तेल। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम मसाला पहले पीस लेते हैं मिक्सी में, अच्छे से फाइन पेस्ट बना देते हैं। तो चलिए, उसको पकाएंगे। उसके बाद मेरा मटर पनीर बन के तैयार। तो आपको दिखाते हैं 2 मिनट के बाद।
इसमें मैंने डाल दिया गरम मसाला, अभी और 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। तो उसके बाद हमारी मटर मशरूम तैयार है, आप इसको जरूर एक बार ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है। जो लोग वेजिटेरियन है वो लोग जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो गाइस ये हमारी मशरूम रेडी, अभी गरमा गरम चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप जीरा राइस बनाओगे तो जीरा राइस के साथ और भी अच्छा लगता है। मैं आपको सब करके दिखाती हूँ। आज का मटर मशरूम रेसिपी, तो अगर आप अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लव यू ऑल, फिर मिलते हैं नया वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।